गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आर्ट प्लस का पेज नंबर 8 ए बियर शो ये वाला करके दिखा रही हूँ। इसके कलर्स कैसे कैसे बनाने हैं आपको वो करके दिखा रही हूँ। तो ये आपका इस वीक का ड्राइंग प्रोजेक्ट होगा। तो आपको देखिए, ये मैंने डार्क कर लिया है पेंसिल से। आप भी इस तरह से पहले इसको बना लें पेंसिल से, उसके बाद इसमें कलर करना शुरू करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इसकी बॉडी का कलर कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके लिए आपको थोड़ा सा ब्लैक लेना है, बहुत थोड़ा सा वाइट लेना है, वाइट ज्यादा लेना है, ब्लैक कम लेना है। तो इससे एक ग्रे कलर बनेगा। एक मिनट में ब्लैक व्हाइट ले लूं, पहले व्हाइट लेना है। तो बिल्कुल जरा सा ब्लैक लेना है। जरा सा इसमें ब्लैक मिक्स करेंगे तो ग्रे कलर बन जाएगा। उसमें बिल्कुल जरा सा आप थोड़ा सा बिल्कुल ब्राउन ले लीजिए, डार्क ब्राउन, थोड़ा बिल्कुल डार्क ब्राउन भी मिक्स करके देखते हैं। एक्चुअल कलर क्या होता है कि हम इसका कोई रेशियो नहीं होता। जैसे मैं आपसे थोड़ा सा बोल रही हूँ, मेरा थोड़ा कितना है, आपका थोड़ा कितना है, इसमें अंतर होगा। तो इसीलिए कलर मिक्स करके उसको बना के देखते जाना चाहिए कि कौन सा कलर बन रहा है। फिर जब आपको आपके एक्यूरेट कलर मिल जाए तब करिए। ये देखिए, मैंने बिल्कुल जरा सा इसमें डार्क, ये वाला डार्क, ये देखिए इधर मैं दिखा रही हूँ आपको, ये डार्क ब्राउन मिलाया है, व्हाइट मिलाया है और बिल्कुल जरा सा ब्लैक मिलाया है। तो ऑलमोस्ट मेरा कलर बन के रेडी हो गया है। ये देखिए, ये बन गया मेरा कलर, ये देखिए। तो अब इसको मैं इसकी बॉडी पे करूंगी। बॉडी पे भी कहीं पे डार्क है कहीं पे लाइट है, तो आप उसी तरह से उसमें व्हाइट मिला करके या फिर उसको थोड़ा पतला करके आप उसको लाइट और डार्क टोन दे सकते हैं। मैं अभी करके आपको थोड़ा कर लूं, फिर मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, जैसे इसके हाथ के साइड में, ऊपर साइड में लाइट कलर है, यहाँ ये देखिए इसकी पाम में जो इसकी हथेली है, तो उधर हम थोड़ा हल्का कलर करेंगे। बाकी नीचे हम इसी कलर को फैला देंगे। थोड़ा और डार्क कलर ले लेती हूँ मैं, इसमें और डार्क कलर है इसके हाथ में। ये हो गया। ये ऊपर इसके पाम में लाइट कलर और यहाँ पे मैंने डार्क कलर कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी लाइट कलर है, तो लाइट कलर के लिए हमको थोड़ा पतला कलर लेकर के उसको फैला देना है, और जहाँ पे डार्क कलर है वहां पे हमें थिक कलर करना है, उतना ही है। ये देखिए, इसको फैला देती हूँ मैं जिससे लाइट हो जाएगा। इधर लाइट है, फिर इधर नीचे में डार्क है, इधर मैं थोड़ा डार्क कलर कर दूंगी। दोनों को मिक्स कर देते हैं। मैं भी कर लूं फिर आपको दिखाऊंगी। देखिए, जब सूख जाएगा तब हम इसके जो फर इफेक्ट दिया गया है, जो लाइनें दी गई हैं, फर का इफेक्ट जो दिया गया है वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि जब ये सूख जाएगा तब हम उसको बारीक ब्रश से करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका पूरा बॉडी का कलर करेंगे। उसके बाद सेकंड हम आते हैं इसके कपड़ों के कलर पे।
कपड़ों में यहां पर उसकी जो शर्ट है उसमें पहले हम येलो कलर करेंगे। ये लिया मैंने येलो कलर, नॉर्मल येलो कलर करेंगे पूरे में, जहां जहां उसकी शर्ट में येलो कलर है वहां पूरे में पहले येलो कलर कर देंगे। बहुत आराम से करना है, जब कलर गीले हैं तो एक दूसरे में फैल के मिल सकते हैं, इसीलिए बहुत ध्यान से करना है। जिन बच्चों ने अभी तक पहले के ड्राइंग और प्रोजेक्ट्स नहीं दिए हैं वो दे दीजिए। ये येलो कलर मैंने कर दिया, चाहो तो आप इसमें थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कलर मिक्स करके इसको थोड़ा डार्क कर सकते हैं। ब्राउन बोली हूँ, लाइट डार्क येलो, डार्क येलो थोड़ा सा हल्का सा इफेक्ट दे करके इसको डार्क कर सकते हैं हल्का सा। और इसमें जो ये पट्टियां बनी हुई है रेड कलर से और जहां जहां शेडिंग है डार्क येलो से है और शेडिंग है यहाँ पे और ये पट्टियां बनी, ये हम जब ये सूख जाएगा उसके बाद बनाएंगे। अब इसका जो निक्कर पहना हुआ उसने पैंट पहनी हुई है उसका कलर, उसके लिए पहले हम लाइट ब्लू ले लेंगे। लाइट ब्लू बनाना है तो डार्क ब्लू में व्हाइट कलर मिक्स करेंगे तो लाइट ब्लू बन जाएगा। मेरे पास है ऑलरेडी लाइट ब्लू तो मैं लाइट ब्लू डायरेक्ट कर रही हूँ, आप लोग डार्क ब्लू में लाइट व्हाइट मिलाएंगे तो लाइट ब्लू बन जाएगा। इसको भी पूरे पेंट में कर देंगे पहले, उसके बाद जो स्ट्राइप्स बनी हुई है उसमें वो डार्क ब्लू से हैं तो वो जब सूख जाएगा, कुछ काम ऐसे हैं जो बाद में जब सूखने के बाद ही हो पाते हैं क्योंकि वो गीले में करेंगे तो सब एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा, इसीलिए उनको तभी करना है जब कलर सूख जाएगा। ये मैंने लाइट ब्लू कर दिया, अब इसके सूखने पर ही मैं डार्क ब्लू कर पाऊंगी लाइनिंग करके। इसकी जो बेल्ट है जो इसका बॉर्डर बना हुआ है इसके निक्कर का, वो पर्पल कलर से बना हुआ है तो आप पर्पल कलर कैसे बनाते हैं मैं पहले भी आप लोगों को वीडियो में बता चुकी हूँ। ब्लू में थोड़ा सा रेड मिलाएंगे तो पर्पल कलर बन जाता है, मैं ये पहले आपको बता चुकी हूँ फिर भी दोबारा बता दिया मैंने आपको। और जब आपकी ड्रॉइंग पूरी कम्प्लीट हो जाएगी तो जीरो नंबर ब्रश से आपको इसमें आउटलाइन करनी है सारी। ये पर्पल कलर मैंने कर दिया, ये देखिए, ये देखिए, ओके। इसकी जो साइकिल का कलर है उसमें यहाँ नीचे तो टायर जो बना हुआ है उसमें तो आपको यही ग्रे कलर करना है और जो इसके ये टायर के ऊपर जो कवर बना हुआ है उसमें आपको पिंक कलर करना है, ठीक है। इसकी जीभ में भी पिंक कलर होगा, इसके कान के जो थोड़े छोटे छोटे गोले बने हुए हैं उधर भी पिंक कलर होगा। इसका जो ये मुंह वाला हिस्सा है इसमें लाइट ग्रे होगा, बाकी फेस में डार्क ग्रे होगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसको कलर करना है और कोई कलर अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं। साइकिल की सीट रेड कलर की बनी हुई है तो आप मुझे पूछ लीजिए, ओके। तो ये वाला है आपका करने के लिए, इसके मैं थोड़ा सा फरी इफेक्ट जो है इसका वो मैं थोड़ा सा करके आपको दिखा देती हूँ। हालांकि मेरा कलर अभी सूखा नहीं है फिर भी मैं थोड़ा करके आपको कोशिश करती हूँ कि मैं दिखा दूँ आपको। फैल जाएगा ये सारा ब्राउन है, थोड़ा सा ब्राउन लिया, बिल्कुल जरा सा उसमें ब्लैक मिक्स किया ताकि वो थोड़ा डार्क ब्राउन हो जाए। अब इसको फर वाला इफेक्ट, तो आपको ब्रश कैसे चलाना है देखिए, जीरो नंबर ब्रश है, इसको चलाना कैसे है ये देखिए, ये फर का इफेक्ट आ जाएगा इससे। इसके जो शरीर पे बाल होते हैं उनका इफेक्ट देने के लिए हमको बिल्कुल पतली पतली लाइन ही देखिए, बिल्कुल भी थिक नहीं करना है। बाल कितने पतले होते हैं आप खुद सोच सकते हो कि बाल कितने पतले होते हैं, तो फरी इफेक्ट देने के लिए उसको
बालों को बनाने के लिए बिल्कुल पतला ब्रश होना चाहिए और इस तरह से आप इसको करेंगे। ओके, तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब आपको नेक्स्ट ये ड्राइंग मुझे बना के भेजनी है। अभी तक जिन्होंने नहीं बना के भेजा है मुझे आगे वाले ड्राइंग, वो प्लीज मुझे जल्दी से जल्दी बना के भेज दें। तो ये है आज का आपका वीडियो वर्क। नहीं समझ में आए पूछ सकते हैं। ओके, बाय।